please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification while I upload a new video. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजैन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं अविक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। सबसे पहला न्यूज है Asus ZenFone Max Pro 23 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही है इंडिया में। और Asus ZenFone Max Pro M1 पे आपको 6 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले दिया जा रहा है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और इस फोन में आपको 4GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और इसमें आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। मतलब ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगी, एक 4GB रैम और एक 6GB रैम के वेरिएंट में मिलेगी। और इस फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी भी दिया जा रहा है। दोस्तों, अगला अपडेट है Moto Z Play में आपको Android 8.0 का OTA अपडेट दिया गया है। अगर आप में से कोई Moto Z Play का यूजर है तो आप OTA अपडेट चेक कीजिए, आपको अपडेट दिया गया है कंपनी की तरफ से। अगला जो अपडेट है वो है एयर फाइबर करके एक कंपनी है जो एक नया प्लान लॉन्च किया है। मतलब ये ब्रॉडबैंड कंपनी है, होम ब्रॉडबैंड और ऑफिस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है एयर फाइबर ने। और उसने एक प्लान लॉन्च कर दिया जहां पे आपको 200 Mbps का बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी FUP। और इस प्लान का प्राइस रखा गया है 1499 rupees। दोस्तों, अगला अपडेट है व्हाट्सएप ने अपना एक नया अपडेट लाया है जहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का प्रायोरिटी को चेंज कर पाएंगे और उसे हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी मोड पे चेंज कर पाएंगे। दोस्तों, अगला अपडेट है मेजू का एक नया फोन अंतुतु पे नजर आया है और इसका नाम रखा गया है मेजू 15। और इस फोन में आपको Exynos 8895 मिलने वाला है 4GB रैम के साथ और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज में इतना ही। आप मुझे बताने टेक न्यूज आपको कैसी लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों। बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हाइल आई अपलोड अ न्यू वीडियो।